देश में लोकसभा चुनाव के 5 चरण बीत चुके हैं। अगले 2 फेज की वोटिंग आने वाले 25 मई और 1 जून को पूरी हो जाएगी। इसी बीच 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी के दिग्गज नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ताओं तक सभी लोग चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच पार्टी ने झारखंड के हजारीबाग से बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। दरअसल 20 मई को 5वें चरण की वोटिंग के दौरान जयंत सिन्हा ने मतदान नहीं किया। पार्टी के नए उम्मीदवार के चयन के बाद से ही उन्होंने चुनाव प्रचार में भी हिस्सा नहीं लिया है। ये सब देखते हुए बीजेपी ने अब जयंत सिन्हा को नोटिस भेज दिया है और 2 दिन के अंदर जवाब भी मांगा है। इसी के साथ आप जानिए कि आखिर नोटिस में क्या लिखा था। दरअसल पार्टी ने जयंत सिन्हा को जो नोटिस दिया है उसमें ये लिखा है कि जब से पार्टी ने मनीष जायसवाल को हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित किया है, तब से आप पार्टी के कार्यों और चुनाव प्रचार में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं। आपको अपने मत का प्रयोग करना भी आवश्यक महसूस नहीं हुआ। आपके आचरण के कारण पार्टी की छवि खराब हुई है। इसके साथ ही नोटिस में आगे कहा गया है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपसे अनुरोध है कि इस संबंध में 2 दिनों के अंदर स्पष्टीकरण देने का कष्ट करें। वहीं जयंत सिन्हा ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि वे चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं है। उन्होंने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा को लिखा था कि मुझे मेरे चुनावी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने आगे लिखा कि वे भारत और दुनिया भर में वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। वहीं इसके कुछ घंटों बाद भाजपा ने मनीष जायसवाल को हजारीबाग से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि जयंत सिन्हा क्यों पार्टी के कामों में भाग नहीं ले रहे हैं। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि उनकी टिकट कटने की नाराजगी के कारण ही उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।